नमस्कार, मैं वैदेही मुई आप सबका स्वागत करती हूँ सदाबहार आशा आशा जी और 70 अभिनेत्रियाँ हमारे इस कार्यक्रम के आज के चौथे एपिसोड में। दूर है, स्ट्रगल किसके लाइफ में नहीं होता। हर इंसान अपनी अपनी कठिनाइयों से जूझते हुए उन्हें पार करता है। ये स्ट्रगल हमने आपने भी देखा है और ये जो कलाकार हैं जो आज बड़े मुकामों पे पहुंचे हैं उन्होंने भी। आशा जी ने भी अपने निजी और बाहरी दोनों ही जीवन में बहुत स्ट्रगल किया। कभी ये स्ट्रगल अपनी एक अलग पहचान बनाने का था तो कभी टाइपकास्ट होने से बचने का। शुरू में आशा जी की तुलना उनकी बड़ी बहन और लीजेंडरी सिंगर लता दीदी से होती रही। ऐसे में खुद की अलग पहचान बनाने की जिद ने उन्हें सोने नहीं दिया और वो अपनी आवाज पे और अपनी गायकी पे एक्सपेरिमेंट करती रही। ऐसे में जब उन्होंने फिल्मों में नाइट क्लब और कैबरे सॉन्ग्स गाना शुरू किया तो तहलका मच गया और आशा युग शुरू हुआ। लेकिन कुछ वक्त पश्चात उन्हें कैबरे सिंगर कहकर टाइपकास्ट किया जाने लगा। फिर उमराव जान इस फिल्म में रेखा जी के लिए गाई गजलों ने आशा जी का एक नया चेहरा लोगों के सामने लाया और तब से उन्हें द मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर कहा जाने लगा। ऐसे ही स्ट्रगल करते हुए अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में थी राज कपूर जी की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी की हीरोइन डिंपल कपाड़िया। शादी के बाद कुछ साल तक डिंपल जी पर्दे से दूर रही। फिर 1984 में सागर जैसी फिल्म से कमबैक करने के बाद भी उन्हें बॉबी फिल्म की इमेज से बाहर पड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसमें उनकी मदद की काश, लेकिन, दृष्टि और रुदाली जैसे फिल्मों ने। रुदाली में उनके अभिनय के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड तक मिला। रुदाली फिल्म के सारे गाने लता दीदी और स्वयं म्यूजिक डायरेक्टर भूपेन हजारिका जी ने गाए हैं। इसमें से गुलजार जी का लिखा हुआ जो गीत अभी मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ उसके इंटरनेट पे 3 वर्जन आपको मिलेंगे। एक लता दीदी का गाया हुआ, एक भूपेन हजारिका जी का और आशा जी का। इस गाने के रूह को आशा जी ने कुछ इस तरह पकड़ लिया था कि फिल्म में यही गाना फाइनल किया गया। चलो बुझ गए राह से छा, दूर है, दूर है पीका गा, धीरे चलो, धीरे चलो।
दिशा भी उड़ा ले गई, कारवां के निशा भी उड़ा ले गई। उड़ती हवाओं वाले मिलेंगे कहाँ, उड़ती हवाओं वाले मिलेंगे कहाँ, कोई बता दो मेरे पिया का निशान, कोई बता दो मेरे पिया का निशान। समय बुझ गई राह से छाँव, दूर है सिस्टर्स यानी पद्मिनी, रागिनी और लतिका। इनमें से रागिनी की आज हम बात करेंगे। ये तीनों ही पंडित गोपीनाथ जी से शास्त्रीय नृत्य सीखी थी। हिंदी सिनेमा में इरा ऑफ डांस शुरू हुआ वो रागिनी जैसे साउथ एक्ट्रेसेस की वजह से। रागिनी जी की फिल्म कोबरा गर्ल से एक गाना अब मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, जिसे लिखा है प्रेम धवन जी ने और संगीत दिया है एसएन त्रिपाठी जी ने। कर गया देखो झूठा वारा प्यार का बेईमान बालमा। न पूछो इस महफिल में सितम क्या होते देखा, हुस्न है जंजीरों में गुलों को रोते देखा। न पूछो इस महफिल में सितम क्या होते देखा, हुस्न है जंजीरों में गुलों को रोते देखा। मगर फिर भी बना बैठा है क्यों अनजान बालमा, होए 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 कर गया देखो झूठा वादा प्यार का बेईमान बालमा, होए 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 जाने ना हाल दिले बेकरार का बेईमान बालमा। नजर है ऐसे कातिल जिगर के टुकड़े कर दे, जो आ जाए मस्ती में दिलों के प्याले भर दे। नजर है ऐसी कातिल जिगर के टुकड़े कर दे, जो आ जाए मस्ती में दिलों के प्याले भर दे। जरा सपनों पे आया प्यार का तूफान बालमा, होए 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 कर गया देखो झूठा वादा प्यार का बेईमान बालमा, होए 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 जाने ना हाल दिले बेकरार का बेईमान बालमा, होए 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 कर गया देखो झूठा वादा प्यार का बेईमान बालमा, होए 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 होए। सदाबहार आशा, इस कार्यक्रम में इस हफ्ते बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते बुधवार गुरुवार रात 10 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।